यार अनदर इतनी टफ तो नहीं थी यार केमिस्ट्री, यार इतनी टफ बना दी यार केमिस्ट्री, कैसा क्या हो गया है भाई? बाबा जी लाने पड़ेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। आगे बढ़ने के पहले इस डेरिवेशन के लिए ले लेते हैं हम बाबा जी की बूटी। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले जब भी किसी भी कॉइल का निकालना हो, अभी तो हम सिर्फ सोलेनोइड का कर रहे हैं, सर्कल का भी कर सकते थे, रिंग का कर सकते थे हम, सर्कुलर कॉइल का, बट नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ इसी का करेंगे इस केस में। और ये सिंपल स्टेप है। एक बात बताओ, तुम्हें सेल्फ इंडक्टेंस का एक ही फॉर्मूला याद है और वो है एल इज फाई इज इक्वल टू एल आई, तो एल इज इक्वल टू फाई बाय आई। अब बस फॉलो करते चले जाओ। आई तुम्हें बता दिया है कि करंट कितना फ्लो होगा, तुम्हें नहीं पता है फाई, तो फाई का फॉर्मूला याद करो। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने फाई का फॉर्मूला लिखा था और वो था बी ए, याद आया? और अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन हो तो एन, और जैसे ही तुमने फाई का फॉर्मूला लिखा, एरिया तुम्हें बता दिया, नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हें बता दिए, तो अब बताया क्या नहीं है? बी, बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन। और सोलेनोइड के लिए मैं ये मान रहा हूं कि तुम सब लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अच्छे से देख लिया है, तो तुम्हें याद है फॉर्मूला कि सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट म्यू आर एन आई, जो सेंटर पे होता है सोलेनोइड के। तो म्यू नॉट म्यू आर, म्यू आर क्या है? मटीरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी, और एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन लिखा है इसीलिए मैंने यहां मेंशन भी किया हुआ है, और आई हमारे पास यहां का करंट है। तो तीन स्टेप, फाई इज इक्वल टू एल आई, एल इज इक्वल टू फाई बाय आई पहली स्टेप, दूसरी स्टेप फाई इज इक्वल टू एन बी ए, तीसरी स्टेप बी निकालो, रखते चले जाओ, ऊपर बढ़ते चले जाओगे, डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। जल्दी से इसको आगे बढ़ाते हैं। जो तीन स्टेप्स, जो थ्री स्टेप्स मैंने आपसे कही थी, मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूं। देखो, phi is equals to li, l is equals to phi by i, मैंने कहा डेफिनेशन से मैग्नेटिक फ्लक्स की phi is equals to nba, अब मुझे phi की वैल्यू यहां रख देनी चाहिए थी, बट मैंने कहा मैं phi की जगह पे पहले एक काम करता हूं, b की वैल्यू भी निकाल ही लेता हूं। ये इक्वेशन 2 बनी, फिर मैंने कहा b फॉर सोलेनोइड, b इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर स्मॉल n इनटू i, याद है ना डेरिवेशन? स्मॉल n क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसीलिए मैंने लिख दिया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n को लिख दिया कैपिटल n अपॉन x, कैपिटल n अपॉन x, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई बाय एक्स। और जैसे ही इस b की वैल्यू मैंने इसमें रखी, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से n, b की वैल्यू ये रख दी इनटू a, सॉल्व किया, phi की वैल्यू आ गई म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए आई बाय एक्स, और इस phi की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में रख दिया। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जैसे ही phi की वैल्यू रखी, l इज इक्वल्स टू phi इज दिस डिवाइडेड बाय i, i से i हो गया कैंसिल, मेरे पास आ गई l की वैल्यू। और ये देखो, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, म्यू आर मटीरियल डिपेंडेंट, n एक बार कॉइल बन गई तो n फिक्स, एक बार कॉइल बन गई तो उसका एरिया फिक्स, एक बार कॉइल बन गई तो उसकी लेंथ फिक्स। और आप लोग मुझसे कह रहे थे वर्डिंग्स वर्डिंग्स, तो भैया ये वर्डिंग्स काफी हैं, और जितना लिखा है बोर्ड पर इतना काफी है आपको पूरे मार्क्स दिलाने के लिए। पॉज करो और नोट करो। अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है और सेल्फ इंडक्शन क्या था, तो अब हम लोग आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स पे। और हमने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद आया क्या? वो सबसे पहले कैपेसिटर में देखा था, फिर रजिस्टर में देखा था, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी देखा था। अब आ जाते हैं अपन कॉम्बिनेशन ऑफ
इंडक्टर्स पे, और एक अंदर की बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉम्बिनेशन, दिमाग से जाने नहीं चाहिए। और हर बार तो एक ही चीज कर रहे हैं यार, सीरीज और पैरेलल। हाँ, अब अपन बात करते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन मतलब मुझे करना क्या है। मैं ये चाहता हूँ कि ये तीन इंडक्टर्स जो हैं, ये थ्री इंडक्टर्स जो हैं, ये सिंगल से रिप्लेस हो जाएं। मतलब साउथ इंडियन हीरो की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, साउथ इंडियन हीरो, हाँ साउथ इंडियन हीरो यार, वो जब वो अचानक से चारों तरफ से घिर जाता है और फिर अचानक से ऐसे नीचे से निकल के आता है, सारे लोग को इधर को इधर को इधर, सारे के सारे विलन इधर उधर गिरे पड़े होते हैं, वो अकेला उन सबके बराबर होता है। वैसे ही यहाँ पर ना ये तीन इंडक्टर्स हैं, थ्री इंडक्टर्स हैं, और इन सब का इक्विवेलेंट अकेला एक है, तो ये मेरा वो हीरो निकला। तो अगर सेम सप्लाई लगाने पर सेम करंट ये ड्रॉ करेगा तो ये अकेला इंडक्टर इन तीनों के बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो मुझे इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो मैंने कहा सप्लाई लगाइए, तो एक फॉर्मूला याद आया ना, E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, हमने अभी निकाला था इंडक्टर के लिए। करंट और वोल्टेज की जब बात करेंगे तो वही फॉर्मूला है, तो भाई E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अगर मैं कंडक्टर वन के लिए बात करूं तो उसमें मान लिया कि EMF जो इंड्यूस हो रहा है या जो उस पर ड्रॉप हो रहा है वो E1 है। अगर इस पर E1 ड्रॉप हो रहा है तो E1 इज इक्वल टू माइनस L1 DI बाय DT। क्यों? क्योंकि करंट तो तीनों में सेम है, तो मेरे पास आ जाएगा E1 इज इक्वल टू माइनस L1 DI बाय DT। सेकेंड कॉइल के लिए क्या करंट है? I। क्या इंडक्टेंस है? L2। तो ये हो जाएगा L2 DI बाय DT। और थर्ड के लिए हो जाएगा माइनस L3 DI बाय DT। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है ये मेरे दिमाग में। नाउ अब मैंने क्या करा, मैंने इन सब का इक्विवेलेंट बना लिया। तो इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखूंगा, E इज इक्वल्स टू L इक्विवेलेंट DI बाय DT। माइनस साइन इज शोइंग डायरेक्शन ओनली, कि इंड्यूस्ड EMF की जो डायरेक्शन होगी वो मेन कॉज का अपोज करेगी। और KVL ने हमें यह सिखाया था कि जब सम करेंगे सभी का एक लूप में तो उन सबका सम इक्वल होना चाहिए सप्लाई वोल्टेज के। तो E अगर मैंने सप्लाई किया, E1 इस पे ड्रॉप हुआ, E2 इस पे हुआ, E3 इस पे हुआ, तो कैपिटल E जो सप्लाई था इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। जैसे ही इन सब इक्वेशन से E1, E2, E3 और E की वैल्यू यहां रखी तो ये आ गया L इक्विवेलेंट DI बाय DT प्लस L1 DI बाय DT प्लस L2 DI बाय DT प्लस L3 DI बाय DT। और इन सब में से कॉमन आ रहा है मेरे पास DI बाय DT, दोनों साइड से कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया, L इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास L1 प्लस L2 प्लस L3। जल्दी से पॉज करो और नोट कर लो। तो ये तो बिल्कुल ही रजिस्टर की तरह हो गया, कि अगर मेरे पास रजिस्टर्स हो सीरीज में तो आता है R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पर आ गया L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3। अब आ जाते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस की तरफ। चलिए अब मिलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स के डेरिवेशन से। पैरेलल में तो मेरे पास इस तरह से लगे हुए हैं। पैरेलल में खुशखबरी ये आती है कि EMF सेम रहेगा, और सीरीज में करंट सेम रहता था, बार बार बोला है पुराने वीडियोस में भी। तो देखो यहां पर मैंने सप्लाई लगाया तो इन तीनों पर ये सप्लाई सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। बट यस, यहां पर डिवाइड होने वाला है करंट। यहां से अगर करंट निकला आए तो इसके पास गया I1, यहां गया I2, यहां गया I3। और अगर मैं कॉइल वन यानी ये पहले वाले के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, E इज इक्वल टू माइनस L DI बाई DT, फॉर्मूला बताया था। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, L1 DI1 बाई DT, माइनस साइन डायरेक्शन शो कर रहा है, नथिंग एल्स।
कॉइल 2 ईएमएफ इंड्यूस हुआ E माइनस एल टू डी आई टू बाई डी टी, कॉइल 3 के लिए E इज इक्वल्स टू माइनस एल थ्री डी आई थ्री बाई डी टी। तो ये मेरे पास कॉइल 1, कॉइल 2, कॉइल 3 के लिए तीन इक्वेशंस बन गई E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी वाली। नाउ अगर इक्विवेलेंट, वो साउथ इंडियन हीरो अभी 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 पढ़ा है अपन ने यार, वो हंस दिए तो मुझे पक्का पता है दिमाग में भी आ गया, और कुछ और बैठा ना हो बैठा हो साउथ इंडियन हीरो तो दिमाग में बैठ ही गया। चलिए तो हमारे पास ये आ गया ना फॉर इक्विवेलेंट। अब मैं अगर यहां देखूं तो ये E हो जाएगा मेरे पास माइनस का L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी। अगर मैं यहां देखूं तो मैंने यहां लगा दी है KCL। अगर मैंने किर्चॉफ्स करंट लॉ लगाया तो जितना इनकमिंग करंट है उतना ही तो आउटगोइंग होगा, तो I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। मेरे पास I तो है ही नहीं, डी आई बाई डी टी है, डी आई बाई डी टी है, डी आई बाई डी टी है, डी आई बाई डी टी है। तो यार इतना सोचने वाली क्या बात है, रटना थोड़ी ना है, मैंने करंट की इक्वेशन लिखी थी और मेरे पास डी आई बाई डी टी है, डी आई वन बाई डी टी भी है, डी आई टू बाई डी टी भी है, डी आई थ्री बाई डी टी भी है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, टी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। डिफरेंशिएट किया, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी प्लस डी आई थ्री बाई डी टी। जैसे ही यहां से वैल्यूज निकाली, डी आई वन बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, ई बाय एल वन माइनस का, डी आई टू बाई डी टी की वैल्यू ई बाय एल टू माइनस का, डी आई थ्री बाई डी टी की वैल्यू आएगी ई बाय एल थ्री माइनस का, और डी आई बाई डी टी की वैल्यू आएगी ई अपॉन एल इक्विवेलेंट। तो जैसे ही मैंने डी आई बाई डी टी, डी आई वन बाई डी टी, डी आई टू बाई डी टी, डी आई थ्री बाई डी टी की वैल्यूज रखी, माइनस ई कॉमन होके कैंसिल हो गया, वन अपॉन एल इक्विवेलेंट इज वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू प्लस वन अपॉन एल थ्री। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो फाइनली हमने जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इंडक्टर के समझ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और वो और भी बड़े काम की चीज है, तो देखते हैं। तब तक पढ़ते रहो, इंस्टा पे फॉलो करते रहो, और बाबा जी की बूटियां लेते रहो। इस वीडियो में इतना ही, जय हो।